जय श्री कृष्णा। मैं नारायण भक्ति सिप्रा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की तिथि तो आपको पता हो गई और ये हर साल आप ये उपाय कर सकते हैं जिससे कि हमारे हर तरीके का कष्ट दूर हो जाता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि किस चीज़ से जल अभिषेक करने से हमें क्या फल की प्राप्ति होती है तथा किन दुखों से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या चीज़ से हमें शिव बाबा का यानी भोले बाबा का अभिषेक करना चाहिए। तो अभिषेक करने के लिए सुबह का मुहूर्त आप उसे अपनाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। सभी धनवान तो बनना चाहते हैं मगर सब संभव तो नहीं है कि सभी धनवान बन ही सकते हैं। अगर इस उपाय को करेंगे तो आप निश्चित ही रूप से महादेव की कृपा और माँ लक्ष्मी की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पे आइए चलते हैं। आर्थिक तंगी से अगर आप परेशान हैं तो महाशिवरात्रि को आपको क्या करना चाहिए। यदि नौकरी व्यापार में परेशानी चल रही है तो महाशिवरात्रि के दिन आप व्रत रखें और शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं, शहद मिलाकर अभिषेक करें तथा अनार के जूस से भी महादेव की अभिषेक करें तथा अनार का फूल चढ़ाएं और अपनी आर्थिक तंगी से रिलेटेड मनोकामनाएं भोले बाबा को बोले तथा 108 बार मंत्र जाप कर ले। ओम नमः शिवाय। बस एक लोटा जल सभी समस्याओं का होता है हल। तो ये थी आर्थिक तंगी से दूर करने के लिए। वहीं पे अगर चांदी के लोटे के द्वारा महाशिवरात्रि पर जलाधारा से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो हमें आर्थिक उन्नति मिलती है। जैसे स्टेबल लाइफ तो हम जी रहे हैं मगर और उसमें हमारी बैलेंस बढ़ने लगते हैं। तो ये चीज़ होती है कि चांदी के लोटे से अगर हम शिव का जल चढ़ाते हैं तो ये हमें फ़ायदा होता है कि हमारी जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहती है, तरक्की करती रहती है तथा साथ में ये आप ओम पार्वती नमः मंत्र का भी जाप करें 108 बार, इसे भी आप जाप कर सकते हैं। तथा तीसरा आपको मैं उपाय बता देती हूँ जो कि बहुत ही ज़रूरी और आसान है। महाशिवरात्रि पर जरूरतमंदों की सेवा अवश्य करना चाहिए जो कि सभी प्रकार की समस्याओं का अंत होता है। वहीं पे महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का दही से रुद्राभिषेक करने से संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। वैसे तो पंचामृत से जो जल चढ़ाते हैं उनके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा दूध दही घी शक्कर और साथ में इत्र मिलाकर इस जल को तैयार करके आप शिवलिंग पर आप अभिषेक करें। निश्चित रूप से आपके हर प्रकार की मनोकामनाएं दूर होंगी तथा पूरे वर्ष धन की वर्षा होगी। तब वहीं पे यदि भगवान भोलेनाथ का गन्ने के रस से भी अभिषेक करते हैं तो माँ लक्ष्मी ही प्रसन्न होती है। लक्ष्मी किसको प्रसन्न नहीं है, सभी को अच्छी लगती हैं। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप भोलेनाथ को गन्ने के जूस से भी आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए महाशिवरात्रि पर शिवलिंग का शहद और घी से भी अभिषेक भी अच्छा माना जाता है। यदि आपको अपनी कोई इच्छा पूर्ति की चाह है तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की उनकी प्रिय वस्तुएं जरूर अर्पित करनी चाहिए जैसे कि पीले मिठाई बेलपत्र भांग धतूरे ये उनकी प्रिय वस्तु हैं। रुका हुआ धन आपको अगर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए भी आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के वाहन नंदी को यानी के कान में अपने मनोकामना बोले तथा नंदी स्वरूप जो बैल होते हैं हमारे आसपास उनको हरा चारा जरूर खिलाए। इससे आपके रुके हुए धन की प्राप्ति होने लगेगी तथा कर्जदार है जो वो आपको घर तक आकर आपको लौटा जाएंगे। महाशिवरात्रि पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप शाम को करने से निश्चित रूप से हमारी आयु की रक्षा होती है। तो ये थी हमारी शिवरात्रि पर किन चीज़ों से अभिषेक करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है और कौन कौन से समस्याओं से हमें सुरक्षा मिलती है और उस समस्याओं से हम छुटकारा पा सकते हैं। वहीं पर कुंडली में ग्रहों में स्थिति कमजोर हो तो महाशिवरात्रि के दिन आप शिवलिंग पर दुग्धा अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें तथा मन्नत भी कर सकते हैं 5 लीटर 1.25 लीटर दूध चढ़ाने की तो भी आपकी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूरी हो जाती है। ये मेरा अपना भी अनुभव है।
भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर बना रहे, ऐसी आशा के साथ आप सब से विदा लेती हूँ मैं शिवपरा। फिर मिलेंगे आप नए विषय के साथ, तब तक दे विदा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।